आखिरकार 15 महीने के बाद ही सही नालंदा में हुए गैंग रेप मामले में सजा सुना दी गई है। राजगीर में एक छात्रा से गैंग रेप के मामले में कोर्ट ने दोषी करार सभी सातों आरोपियों को आजीवन कारावास और 5,000-5,000 की आर्थिक दंड की सजा सुनाई है। इतना ही नहीं, दोषी राहुल और सोनू को 3-3 साल की अतिरिक्त सजा भी सुनाई गई है। साथ ही कोर्ट के आदेश पर सरकार की ओर से पीड़िता को 10 लाख रुपए मुआवजा राशि भी दी गई है। इस मामले के विशेष लोक अभियोजक सुशील कुमार ने बताया कि बिहार शरीफ कोर्ट के एडीजे सप्तम मोहम्मद मंजूर आलम ने ये सजा सुनाई है और इसमें आज सातवां अभियुक्त को आजीवन कारावास सुनाई गई है। इस केस में सात अभियुक्त मिलकर एक नाबालिग के साथ गैंग रेप किए थे टूरिस्ट प्लेस राजगीर में, जिसके कारण उसके परिवार वाले काफ़ी विचलित हो गए थे और इस केस में सभी को, जितने भी सातों अभियुक्त हैं, सातों को आजीवन कारावास सुनाया गया है। आपको बता दें कि 16 सितंबर 2019 को सात लोगों ने राजगीर मखदुम कुंड के पास पहाड़ पर एक छात्रा के साथ गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया था। साथ ही उसके बाद 22 सितंबर की देर रात तक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था, जिसके तहत कोर्ट के द्वारा सभी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही बिहार में पहली बार दो आरोपियों को आईटी एक्ट के तहत सजा सुनाई गई है। नालंदा से रवि रंजन के साथ अंशु भारद्वाज की रिपोर्ट, एटीएन लाइव इंडिया।